hello everyone so today we will study about the pnf in pnf we will discuss about the basic procedures for facilitation okay so the basic procedure of facilitation consists of resistance irradiation and reinforcement manual contact body position and body mechanics verbal stimulation vision traction and approximation stretch टाइमिंग एंड पैटर्नस नाउ द क्वेश्चनराइज वाई वी नीड टू यूज़ दीज फैसिलिटेशन प्रोसीजर्स क्यों यूज़ करते हैं हमें फैसिलिटेशन कराना पी एन एफ में क्यों ज़रूरी होता है क्यों ज़रूरी होता है ये क्योंकि बेसिक ये प्रोसीजर्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ टूल फॉर द थेरेपिस्ट जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इफेक्टिव मोटर फंक्शन और मोटर कंट्रोल गेन कर सके सो दीज प्रोसीजर्स आर यूज टू इंक्रीज पेशेंट्स एबिलिटी टू मूव और रिमेन स्टेबल इंक्रीज करते हैं पेशेंट का स्टेमिना अवॉइड फटीग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पेशेंट की अचीव कराने में एंड टू गाइड द मोशन सो दिस इज द टेबलेटेड फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर एंड द यूज ऑफ द फैसिलिटेशन टेक्नीक फर्स्ट इज रेजिस्टेंस तो resistance में हम क्यों यूज़ करेंगे टू इंक्रीज स्ट्रेंथ मोटर लर्निंग इन रेडिएशन किस हम स्प्रेड रिस्पॉन्स को स्प्रेड कर सकें मैनुअल कॉन्टैक्ट टू इंक्रीज पावर गाइड मोशन बॉडी पोजिशन एंड मैकेनिक टू गाइड एंड कंट्रोल द मोशन एंड स्टेबिलिटी वर्बल कमांड टू डायरेक्ट द पेशेंट Then is the vision. So, vision may uh, same as the verbal command to guide motion and increase force, traction and approximation to facilitate motion and stability, stretch to facilitate contraction and decrease muscle fatigue, timing, uh, proper timing increases muscle contraction through timing for emphasis and the pattern. These are synergistic mass movement which are composed of functional normal motion. सो द फर्स्ट टेक्निक ऑफ फैसिलिटेशन इज़ बॉडी पोजिशन एंड मैकेनिक्स तो जब हम पेशेंट को पीएनएफ करवा रहे हैं तो उस टाइम पे थेरेपिस्ट की क्या पोजीशनिंग रहेगी उस बारे में यहाँ पे बात की गई है क्योंकि पीएनएफ में हम डाइगनल पैटर्न्स करवाते हैं पेशेंट को तो द तो थेरेपिस्ट स्टैंड इन द डाइग्नल पेन ऑफ मूवमेंट और वो पिविट करता है ओवर द वाइड बेस ऑफ सपोर्ट जिसकी वजह से वो एक डायग्नल पैटर्न अचीव कर सके देन गोल क्या होगा क्यों पे थेरेपिस्ट को ऐसे खड़े होना चाहिए जिससे कि वो पेशेंट का मोशन अच्छे से करा सके ठीक है अगर उसे रेजिस्टेंस देना है या मोशन को गाइड करना है तो वो कर सके एंड इट एनेबल द थेरेपिस्ट टू गिव रेजिस्टेंस विदाउट फटीगिंग द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ द मैनुअल कॉन्टैक्ट तो ये रेफर करता है वेयर द थेरेपिस्ट प्लेसेस प्लेसिसज हैंड ऑन द पेशेंट तो यूजुअली हम एक लम्बराइकल ग्रिप यूज़ करते हैं ठीक है टू तो होल्ड द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द पेशेंट पार्ट्स ऑफ द पेशेंट क्यों लम्बर ग्रिप यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो आता है फ्रॉम फ्लेक्शन एट द एम सी पी जॉइंट एंड थेरेपिस्ट फिंगर कन्फर्ड टू द बॉडी पार्ट तो इसकी वजह से थ्री डायमेंशनल कंट्रोल हो जाता है मोशन का विदाउट पेनिंग द पेशेंट अब इसके गोल्स क्या होते हैं मैनुअल कॉन्टैक्ट के कि प्रेशर हमें देना है मसल uh, को टू एड द मसल एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पेशेंट को सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस आएगा टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक परसेप्शन दे रहे हैं हम पेशेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं मोशन का ठीक है हम इसमें रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं एंड इट ऑल्सो अप्लाइज एज अ मीन्स ऑफ द वे ऑफ फैसिलिटेशन अब जो हमारा मैनुअल कॉन्टैक्ट था इट शुड बी पर्पजफुल डायरेक्शनल एंड कम्फर्टेबल अब पर्पज़फुल क्यों होना चाहिए पर्पजफुल का मतलब क्या हुआ कि जो मैनुअल कॉन्टैक्ट है आर प्लेस्ड ओवर द एगोनिस्ट मसल और देयर टेंडनस इंसर्शन अगर मान लो थेरेपिस्ट का एम है कि उसे रेजिस्टेंस देना है किसी मूवमेंट में पीएनएफ में तो उस तरीके से वो अपने हाथों को प्लेस करेगा अगर मेरा आ, एम ये है कि मुझे पेशेंट को डायरेक्शन गाइड करनी है तो उस वजह से मेरा हाथ की पोजिशन चेंज होगी तो माई हैंड कॉन्टैक्ट शुड सर्व एज अ पर्पज़ दूसरा डायरेक्शनल अब मुझे किस डायरेक्शन में मूवमेंट करानी है कौन सी मूवमेंट करानी है एक्टिव एक्टिव असिस्टेड पैसिव रजिस्टेड उस हिसाब से मेरी डायरेक्शन होगी देन लास्ट इज़ कंफर्टेबल मतलब पेशेंट को जो आपका टच है इट शुड नॉट फील अनकंफर्टेबल या पेनफुल क्योंकि अगर वो हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल टू फैसिलिटेट शोल्डर फ्लेक्शन वन और बोथ हैंड ऑफ थेरेपिस्ट आर प्लेड ऑन द एंटीरियर एंड सुपीरियर सर्फिस ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी एंड टू फैसिलिटेट ट्रंक फ्लैक्शन हैंड्स कहाँ पे होंगे ओवर द एंटीरियर सर्फिस ऑफ द ट्रंक नाउ द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फैसिलिटेशन इज विजुअल क्यूज तो हम पेशेंट को डायरेक्ट करते हैं थ्रू मूवमेंट पैटर्न विजुअल क्यूज के थ्रू तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप वो लिम की मूवमेंट फॉलो करो देख के मतलब जो हम मूवमेंट आपको करने को कह रहे हैं वो आप भी देखो ताकि पेशेंट को कंट्रोल आए मूवमेंट का एंड ही गेट्स टू नो कि मुझे क्या मोशन करना है अभी कराते क्यों हैं हम टू प्रमोट अ मोर पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट को कंट्रोल आएगा उसे करेक्ट करेक्ट कर पाएगा अपने आप को अगर कहीं वो गलत जा रहा है तो इन्फ्लुएंस हैंड एंड बॉडी मोशन प्रोवाइड एन एवेन्यू ऑफ कम्युनिकेशन ऑन फॉर ऑलडरली पॉपुलेशन विजुअल इनपुट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्बल इनपुट द नेक्स्ट आर वर्बल कमांड्स तो इसमें हम ऑडिटरी यूज़ देते हैं पेशेंट को जिसकी वजह से उसका जो मोटर आउटपुट है या मोटर रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव हो सो इट टेल द पेशेंट वॉट टू डू एंड वेंट टू डू तो जो वर्बल कमांड हम पेशेंट को देंगे वो डिपेंड करेगा उसके एज कैरेक्टर एबिलिटी टू कॉपरेट और अटेंशन पे अब इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है प्रिपरेशन एक्शन एंड करेक्शन प्रिपरेशन में हमने रेडी कर दिया है पेशेंट को फॉर द एक्शन ही हैज़ टू टेक एक्शन में हमें पेशेंट को बोलना है कि हाँ आप चलो स्टार्ट होने वाला है करेक्शन में जो पेशेंट ने एक्शन किया उसमें अगर कोई गलती है तो हमें उसे करेक्ट करना है इसका भी आपको मैं आगे एग्जांपल भी बताऊंगी देन वर्बल कमांड शुड बी ब्रीफ सिंपल एक्यूरेट वेल टाइम्ड एंड शुड इंडिकेट द टाइप ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट वर्बल कमांड शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर मुझे उसमें ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के बात नहीं बोलनी फॉर एक्जाम्पल इफ आई वॉन्ट माई पेशेंट टू फ्लेक्सेज एल्बो तो मुझे सिंपल कमांड देनी है बेंडी और एल्बो इफ मुझे पेशेंट को कमांड देनी है कि आप अपने घुटने को मोड़ो आई विल सिंपली से बेंड योर नी या फिर स्ट्रेट एंड अप योर नी इसके अलावा मुझे पेशेंट को कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वगैरह नहीं बोलने कुछ भी जो थेरेपिस्ट का टोन और वॉल्यूम होता है वो भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट अटेंशन या फिर जो मुझे आउटकम चाहिए ठीक है अगर मैं एक लाउडर कमांड के साथ पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करूँगी तो एक स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा और अगर मैं एक सॉफ्ट या कामल टोन से कह रही हूँ कि हाँ प्लीज़ अपना हाथ मोड़ लीजिए रिलैक्स ठीक है धीरे धीरे हाथों को लेकर आई तो मैं रिलैक्सेशन दे रही हूँ एक शार्प कमांड होनी चाहिए वर्बल कमांड इज गिवन वेन साइमटेनियसली विद द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस रिफ्लेक्स टू सेंट्रइज द फेजिक रिफ्लेक्सिव मोटर आउटपुट अब जो कमांड की टाइमिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और वो कॉर्डिनेट करनी चाहिए विद द मूवमेंट द थेरापस्ट वॉन्ट अगर मैं पेशेंट का एल्बो फ्लेक्शन करा रही हूँ और मैं उसे कमांड दूँगी आपने शोल्डर का फ्लेक्शन करो यानी कि शोल्डर बैंड करो टेक द शोल्डर टूवर्ड्स द सीलिंग तो मेरी टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो उससे Uh, अच्छा टेक्निक नहीं लग पाएगी अब इसके गोल्स क्या होते हैं टू गाइड द स्टार्ट ऑफ मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड गिव द पेशेंट करेक्शन्स एग्जाम्पल हमने तीन पार्ट्स में पढ़ा था प्रिपरेशन एक्शन करेक्शन तो इसमें तीनों पार्ट्स में डिवाइड करके आपको कमांड देनी होती है जैसे कि रेडी एंड नाउ पुल योर लेग अप एंड एन एंड कीप पुलिंग योर टोज अप सो द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ़ फैसिलिटेशन इज रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस हम सबको पता है It is the greatest amount of uh, resist degree or of resistance which can be given to a muscular contraction. Optimal resistance kya hota hai? the amount of resistance provided during an activity must be correct for the patient condition and goal of the activity. And it depends upon the kind of muscle contraction being resisted, whether it is isotonic or isometric. ठीक है अब आइसोटोनिक जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उनको हमने ब्रॉडली बो डो में सॉरी डिफ्रेंशिएट किया है आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक में आपका जो मसल का लेंथ है वो चेंज होता है आइसोमेट्रिक में, में द नो मोशन अकर्स योर लेंथ ऑफ द मसल रिमेंस द सेम तो रेजिस्टेंस आइसोटोनिक में शुड बी एडजस्टेड सो दैट द मोशन कैन अकर इन अ स्मूद एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर तो आप उस हिसाब से रेजिस्टेंस दोगे आइसोमेट्रिक में आप उतना ही रेजिस्टेंस दोगे कि कोई मोशन ना हो पाए अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है रेजिस्टेंस इज अप्लाइड मैनुअली टू मूवमेंट एंड पैटर्न ऑफ फैसिलिटेशन और हमें एडजस्ट करते हैं कि हम जो स्ट्रॉन्ग और वीक कॉम्पोनेंट है पैटर्न का उसके साथ एडजस्ट कर सकें इसके यूजेस क्या होंगे एक्साइटेशन इंक्रीज करना ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बिल्डअप करना बिल्डअप एंडोरेंस रिलैक्सेशन के लिए एंड फॉर इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं जब एक मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम रेजिस्ट करते हैं तो मसल uh, का रिस्पॉन्स क्या होता है मसल जो कॉर्टिकल स्टिमुलेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है जब हम मसल को रजिस्ट करते हैं मसल के अंदर एक्टिव टेंशन प्रोड्यूस हुआ और वो टेंशन क्या होता है हमारा प्रोपर फैसिलिटेशन देता है जो कि हमारे पीएनएफ का गोल होता है ठीक है तो जितना हम रेजिस्टेंस देते हैं उतना ही ज़्यादा ये मैग्नीट्यूड ऑफ फैसिलिटेशन होता है मतलब उतनी ही ज़्यादा एक्टिव टेंशन मसल के अंदर होगी और ये जो फैसिलिटेशन होती है ये स्प्रेड होती है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल और डिस्टल डिस्टल टू प्रॉक्सिमल वाइस वर्सा क्यों होती है क्योंकि जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिफ्लेक्सर्स होते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग मसल मान लो मेरे एल्बो फ्लेक्सर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है तो द इंक्रीजेज द रिस्पॉन्स ऑफ सिनर्जिस्टिक मसल एट द सेम जॉइंट एंड सिनर्जिस्टिक मसल एट द नेबरिंग जॉइंट तो जो मेरे शोल्डर फ्लैक् सॉरी एल्बो फ्लेक्सर्स हैं उनके साथ की जो सिनर्जिस्टिक मसल्स हैं वो उनका भी रिस्पॉन्स इंक्रीज कर देगी सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जो अब जबकि हम आगे पढ़ेंगे इफ एक्टिविटी इन एगोनिस्ट बिकम इंटेंस दे आर मे बी एक्टिविटी इन द एंटेगोनिस्ट मसल ग्रुप एज वेल अगर मैंने बाइसेप्स का एक्टिविटी इंटेंसिक ट्राइस में भी एक्टिविटी आएगी एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस फॉर लर्निंग अ फंक्शनल एक्टिविटी लाइक स्टैंडिंग अप्रॉम अटिंग पोजिशन और गोइंग डाउन द स्टेयर्स इज मोस्टली आर गाइडेंस रेजिस्टेंस टू टीच पेशेंट कंट्रोल ऑफ दीज एक्टिविटीज नाउ द नेक्स्ट इज इेडिएशन एंड री एनफोर्समेंट सो वट इज इ रेडिएशन जिसका हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि इट इज दिस्पॉन्स और स्टिमुलेशन सो रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है या तो फेसिलिटेट करेगा या इनहिबिट करेगा इन स्नोजिस्टिक muscle सो so the रिस्पॉन्स increases as the स्टिमिला increases डायरेक्टली proportional है क्योंकि ठीक है इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था देन व्हाट इज री तो री का मतलब क्या होता है टू स्ट्रेंथन बाय फ्रेश एडिशन मेक स्ट्रांगर हमसे कहते हैं ना वी विल री यू तो वो मतलब हुआ तो थेरेपीज डायरेक्ट द री इन्फोर्समेंट ऑफ तो वीकर मसल अब हम री इन्फोर्स करेंगे जो वीकर मसल है ठीक है अब when greater effort is required, movement of one part of the body is associated and reinforced by the other part. ठीक है seen in heavy work and sporting activities. जैसे आप समझो कोई वीक component है ठीक है मान लो मेरे को अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है पर मेरा एल्बो फ्लेक्शन वीक कॉम्पोनेंट है बाकी मेरा रिस्ट भी फ्लैक्स हो रहा है शोल्डर भी फ्लेक्स हो रहा है उसके अंदर ठीक है बट अगर एल्बो मेरा वीक कॉम्पोनेंट है तो जो मेरे बाकी के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो वो मेरे गर, आ, मतलब वो मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो एल्बो फ्लेक्सर को भी री करेंगे जिससे कि मेरा हाथ ऊपर चला जाए सो मसल कॉम्पोनेंट ऑफ अ पैटर्न ऑफ मूवमेंट री इन्फोर्स ईच अदर ऑटोमैटिकली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ रेजिस्टेंस और अगर मैं अपने हाथ में एक वेट लेकर भी अपने हाथ को ऊपर लेके जाना चाहूंगी तो भी वो उसी हिसाब से ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाएगा द प्रोपरियोसेप्टिव स्टिम्यन विच रिजल्ट फ्रॉम टेंशन एंड स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल लीड्स टू स्प्रेड और ओवर फ्लो ऑफ एक्साइटेशन इन दिन बाई द प्रोसेस ऑफ इेडिएशन टू रिक्रूटरेटिव कॉपरेशन ऑफ अलाइड मसल विच बाय कॉन्ट्रेक्टिंग एज सिनोजिस्ट इंक्रीज द एफिशियंसी ऑफ मूवमेंट अब इसके यूजेस क्या होते हैं कि मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मसल इज यूज टू री इन्फोर्स द एक्शन ऑफ वीकर मसल तो री इन्फोर्समेंट ऑलवेज टेक फ्रॉम स्ट्रेंथ अगर हम रेजिस्टेंस uh, दे रहे हैं तो ही हमारा री एनफोर्समेंट होगा ठीक है तो स्ट्रांगर मसल कॉम्पोनेंट ऑफ अ पैटर्न आर यूज टू री एनफोर्स सेम वही बात है कि जो स्ट्रांगर मसल है वो वीकर कॉम्पोनेंट को हेल्प कर रहा है ठीक है कि आप भी अपना काम कर पाओ एग्जाम्पल क्या होगा अगर हम हिप फ्लैक्शन को रजिस्ट करेंगे तो हमारे ट्रंक फ्लैक्सर्स फैसिलिटेटेटेटेटेट होंगे फॉरआम सुपिनेटर को रजिस्टर करेंगे तो हमारे शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स फैसिलिटेट होंगे एंड द लिस्ट गोज ऑन यू कैन पॉज इन सी इट द नेक्स्ट टेक्निकेसिलिटेशन इज ट्रैक्शन तो ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने ज्वाइंट ऑफिस को स्लाइटली सेपरेट कर दिया और इट कैन बी सेट दैट इट इज़ द इोंगेशन ऑफ ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़ सो इट इन्हबिट पेन एंड फैसिलिटेड मूवमेंट ड्यूरिंग एक्शन्यूशन ऑफ मूवमेंट पैटर्न इट इज मोस्ट ऑफ अपलाइड ड्यूरिंग द फ्लेक्शन स्लैश एंटी ग्रेविटी पैटर्न बिकॉज एनी वेट लिफ्टिड वुड नॉर्मली एग्जैक्ट ट्रैक्शन इन प्रपोर्शन टू इट्स वेट सो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ट्रैक्शन के क्यों होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलेन ऑफ रिसेप्टर्स इन द जॉइंट ये स्ट्रेच स्टमुलस भी देता है बाय एलोंगेटिंग The muscle. It is maintained throughout the movement and combined with appropriate resistance. Now, what are goals? To facilitate motion, it aids in elongation of muscle tissue when using the stretch reflex and it resists some part of the motion, for example, using traction at the beginning of shoulder flexion to resist capillary elevation. अप्रैक्शन के बाद क्या आएगा अप्रॉक्सिमेशन ट्रैक्शन का जस्ट अपोजिट अप्रोसीमेशन दट इज इट इज द कंप्रेशन ऑफ ट्रंक और इन एक्सट्रीमिटी सो मसल कंट्रेक्शन फॉलोइंग अप्रोक्सिमेशन आर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ जॉइंट रिसेप्टर्स। इधर यू आर गिविंग ट्रेक्शन और यू आर गिविंग अप्रोक्सिमेशन यू आर स्टमलेटिंग द ज्वाइंट रिसेप्टर्स सो दे एड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल एंड अनस्टेबल जॉइंट अगर हम जेंटल कंप्रेशन देते हैं ऑफ़ जॉइंट सर्फिस बाई मीन्स ऑफ मैनुअल कॉन्टैक्ट और वेट बियरिंग ठीक है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे अगेनिस्ट हैं और एंटेगेनिस्ट हैं उन, उनका को co कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे जॉइंट को उस पोजीशन पर मेटेन करने के लिए तो ये डायनेमिक स्टेबिलिटी और पोस्टरल कंट्रोल को एड करता है इंक्रीज करता है वाया जॉइंट एंड मसल मैकेनो रिसेप्टर्स तो घूम फिर के बाद कहाँ आ गई कि हमारे जॉइंट और मसल के जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है देआर फॉर मोर इफेक्टिव इन फैसिलिटेटिंग एक्सटेंशन मूवमेंट गोल्स क्या होंगे टू प्रोमोट स्टेबिलाईजेशन फैसिलिटेट वेट बियरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटीग्रेविटिंग मसल फैसिलिटेटिंग अपराइट पॉस्चर्स एंड यूजिंग अप्रॉक्सीन एट द एंड ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन टू रेज स्कैपुलर एलिवेशन अब नाउ वेज टू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन तो हम दो तरीके से देते हैं क्विक एंड स्लो सो क्विक में क्या होता है फोर्स अप्लाइड क्विकली टू एलिसेट अर रिफ्लेक्स टाइप रिस्पांस एंड स्लो अप्रॉसीमेशन फोर्स अप्लाइड ग्रेजुअली टू पेशेंट टॉलरेंस सो अप्रोक्सीमेशन फोर्स इज ऑलवेज मेंटेन थेरापिस्ट मेंटेन्स द फोर्स एंड गिव रेजिस्टेंस टू द रिजल्टिंग मस्कुलर रिस्पांस देन द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ फैसिलिटेशन इज स्ट्रेच तो स्ट्रेच हम सबको पता है क्या होता है तो इट इज गिवन टू द मसल एंड इट शुड ओनली बी डन विद द थेरेपिस्ट एक्सपेक्ट्स टू फैसिलिटेट द डायनेमिक मसल एक्टिविटी इनोवेशन के लिए स्ट्रेच हम जल्दी से नहीं देते दो प्रोलॉन्ग स्ट्रेच वी गिव फॉर इनोवेशन ठीक है तो स्ट्रेच एक्टिविटी इज कॉन्ट्राइंडेटेड वन द मसल टेंडन बोन और जॉइंट्स आर इंजोर्ड सो प्रोप्रियोसेप्टर्स आर सिचुएटेड इन द मसल्स पिंडल विच आर स्टमुलेटेड बाय स्ट्रेचिंग विच इंक्रीज इंट्रा मस्कुलर टेंशन तो मैंने पेशेंट को स्ट्रेचिंग दिया उसकी वजह से जो मसल्स पिंडल के अंदर प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हुए जिसकी वजह से मेरा इंट्रा मस्कुलर टेंशन इंक्रीज हो गया क्यों क्योंकि जो मसल पिंडल को जब स्टमुलेशन मिला तो उसने एक रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करवाया मसल का अगर मेरा स्टमुले अगर मेरा स्ट्रेचिंग उसने फ्रेश होल्ड का है और रिफ्लेक्स आग एंटीरियर हॉर्न सेल तक बांधा सही जा रहा है तो तो अब एंटीरियर हॉर्न सेल पे क्या हुआ बंबार्डमेंट हुआ इम्पल्स का ठीक है जो स्पिंडल से निकली जिसकी वजह से सेंट्रल एक्साइटेशन हुआ और फैसिलिटेशन हो गया ठीक है क्विक स्ट्रेच टेन टू इंक्रीज मोटर रिस्पॉन्स और अगर मैं प्रोलॉन्ग स्ट्रेच दे रही हूँ तो इट कैन डिक्रीज द मसल एक्टिविटी अब इसमें दो चीज आती है स्ट्रेच टूमिलस स्ट्रेच रिस्पॉन्स फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेच टूमिलस सो इट इज द प्लेसिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट इन अ पोजीशन दैट लेंद द मसल दैट आर टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यून अ डायगनल मूवमेंट पैटर्न ठीक है मतलब उन मसल्स को मैंने लेंदन कर दिया जिनको मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट कराना है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मुझे शोल्डर फ्लेक्शन कराना है तो मैंने शोल्डर फ्लेक्सर्स को इलोंगेशन में रख दिया तो इट इज स्ट्रेच टू मिलस इट अकर्स वेन द मसल इज़ इलोंगेटेड जिस मसल का आपको मूवमेंट कराना है उस मसल को आप लेंदनिंग पर डाल दो स्ट्रेचिंग पर डाल दो ठीक है ग्रेटर फैसिलिटेशन कम फ्रॉम लेंदनिंग ऑल द सिनोजस्ट मसल ऑफ अ लिम और अ ट्रंक इसके गोल्स क्या होते हैं टू फैसिलिटेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड टू फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटेड सिनर्जिस्टिक मसल एग्जांपल अगर मैं डी वन फ्लेक्शन कराना चाहती हूँ लोअर एक्सट्रीमिटी का तो मैंने लोअर एक्सट्रीमिटी को डी वन एक्सटेंशन में प्लेस कर दिया ताकि जो उसके अगेस्ट मसल हैं वो सारे लेंथनिंग पोजीशन में आ जाए और स्ट्रेच अस्टुमुलस uh, उनको मिल जाए द सेकंड थिंग विच कम इज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स तो इट इज फैसिलिटेटेड बाय अ रैपिड स्ट्रेच ओवर प्रेशर जट पास द पॉइंट ऑफ टेंशन टू एन ऑलरेडी इलोंगेटेड मसल अगेनेस्ट मसल इट इज एलिसटेड फ्रॉम मसल्स दैट आर अंडर टेंशन ईदर फ्रॉम इलोंगेशन और कंट्रेक्शन एंड इट इज यूजअली डायरेक्टेड टू अ डिस्टल मसल ग्रुप टूट अ फेसिक कंट्रेक्शन टू इनिशिएट डायग्नल मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी उनको इलोंगेटेड पोजिशन में डाल रखा और मैंने एक बहुत रैपिड स्ट्रेच दिया हल्का सा ओवर प्रेशर दिया सो दैट इज दी स्ट्रेच रिफ्लेक्स quick stretch is followed by sustained resistance to the agonist muscle to keep contracting muscle under tension to be effective the muscular contraction following the stretch must be resisted so this reflex has two parts first and second the first part is not more of fun it is not a functional significance it has a short latency spinal reflex that produces little force the second part is called the functional stretch response and it has a longer latency but produces a more powerful and functional contraction. For example, to initiate D1 flexion of upper extremity, a quick stretch is applied to already elongated wrist and fingers flexors, followed by the application of resistance. So, what are the contraindication during early stages of soft tissue healing after injury, acute or active arthritic condition, any inflammatory condition, joint hypermobility, fracture, pain, and quick stretch should also also be applied with caution in case of spasticity. देन कम्स द टाइमिंग टाइमिंग इज द सिक्वेंसिंग ऑफ मोशन टाइमिंग के बारे में हमने पहले भी बात करी है ड्यूरिंग द वर्बल कमांड्स ठीक है नॉर्मल मूवमेंट रिक्वायर स्मूथ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी कॉर्डिनेटेड मूवमेंट रिक्वायर प्रिसाइस टाइमिंग ऑफ दैट सीवेंस फंक्शनल मूवमेंट रिक्वायर कंटिन्यूस कॉर्डिनेटेड मोशन अंटिल द टास्क इज अकंप्लीस्ट सो द मूवमेंट इज कंप्लीटेड फर्स्ट इन डिस्टिल देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनली इन द प्रोक्मल ज्वाइंट हम सीधा शोल्डर से स्टार्ट नहीं करते मूवमेंट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द रिस्ट ठीक है एंड देन यू विल प्रोग्रेस टू शोल्डर वेल परफॉर्मिंग द पैटर्न द डिस्टिल कम्पोनेंट ऑफ द मोशन शुड बी कम्पलीटेड हाफ विथ थ्रू द पैटर्न एंड नॉर्मल टाइमिंग में भी डिफीटेड बाय द अब अगर हमारी नॉर्मल टाइमिंग नहीं हो पा रही है ठीक है हम पर्टिकुलर टाइमिंग पे नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ पा रहे क्या रीजन हो सकता है कि या तो हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं पर्टिकुलर मूवमेंट पे या फिर हम बहुत स्लो मूवमेंट करा रहे हैं तो करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ मोशन प्रमोट्स न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट तो थेरेपिस्ट कैन ऑल्टर नॉर्मल टाइमिंग फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज इन टू वेज बाई प्रिवेंटिंग ऑल द मोशन ऑफ अ पैटर्न एक्सेप्ट द वन इज टू बी एफरसाइज्ड बाय रजिस्टिंग एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मोशन इन अ पैटर्न वाई एक्सरसाइजिंग द वीकर मसल गोल्स क्या होंगे नॉर्मल टाइमिंग प्रोवाइड कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेटेड मोशन अंटिल अ टास्क इज अकम्लिश एंड टाइमिंग फॉर एम रीडायरेक्ट्स द एनर्जी ऑफ अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इनटू वीकर मसल पैटर्न्स टू पैटर्न वो मूवमेंट होती हैं जो कि मल्टीप्लेनर होती हैं मल्टी जॉइंट होती हैं डायगनल होती हैं रोटेशनल मूवमेंट होती हैं ऑफ़ द एक्सट्रीमिटी स्ट्रंग एंड नेक टू पेयर्स होते हैं डायगनल पैटर्न के डी वन एंड डी टू एंड डीज आर फॉर द क्लासीफाइड एज इन टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हेज नेम्ड डी वन फ्लेक्शन डी वन एक्सटेंशन डी टू फ्लेक्शन डी टू एक्सटेंशन सो आइडेंटिफाइड बाय द मूवमेंट that occurs in the proximal pivot points shoulder and hip a pattern is named by the position of hip or shoulder when the diagonal pattern have been completed and they can be carried out bilaterally or unilaterally ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो यूमिलट्रली मतलब वन आर्म और वन लेग बाइलेट्रली में बोथ आर्म बोथ लेग्स और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म एंड लिप्स इनको भी हमने थ्री में डिवाइड किया है इसमें आपको चार दिख रहा है आई विल एक्सप्लेन सिमेट्रिकली ए सीमेट्रिकली एंड रेसिप्रोकली फिर रेसिप्रोकल को हमने दो में डिवाइड कर दिया सिमेट्रिकल एंड ए सीमेट्रिकल तो सिमेट्रिकली में लिम मूव इन दी सेम पैटर्न ए समेट्रिकली में लिम मूव इन अपोजिट पैटर्न सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल में लिम मूव इन सेम डायगनल बट अपोजिट डायरेक्शन ए सीमेट्रिकल रेसीप्रोकल में लिम मूव इन अपोजिट डायगनल एंड अपोजिट डायरेक्शन सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर अपर एक्सट्रीमिटी एंड दीज आर द पटर्न ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी मैंने एक पी एन एफ का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आप जाके उसमें इंट्रोडक्टरी तो वीडियो देख सकते हैं बाकी इन डिटेल अगर आपको और भी वीडियोज़ आएंगे अभी अबाउट द टेक्निक्स ठीक है और अगर कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो तो यू कैन कमेंट आउट